जुजुत्सु काइसेन सीजन 4 एपिसोड 10 में आप सबका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था सुकुना को गिल्टी साबित किया जाता है, जिसके बाद हिगुरामा के हाथ में आता है उसका एग्जीक्यूशनर स्वॉर्ड। अब सभी मिलके सुकुना के पीछे पड़े हैं। अब आगे एपिसोड के शुरू में हम सुकुना और हिगुरामा दोनों को आमने सामने देखते हैं। सुकुना हिगुरामा को देख के बहुत ज्यादा फैसिनेटेड हो चुका है। वो बहुत खुश भी है कि उसके सामने इतने टैलेंटेड कोई बंदा है। यहाँ तक कि ये बंदा इतना ज्यादा टैलेंटेड है, शायद इसके पास ताकत है गोजो को सरपास करने की। यहाँ तक कि ये बंदा मेरे जैसा कर्स टेक्निक मैनिपुलेशन कर सकता है। मतलब ये बहुत बड़ी बात है, खुद सुकुना ये कह रहा है, वो भी हिगुरामा से, जो कि 2 महीने पहले ही अवेकन हुआ है। तभी वो हिगुरामा को कहता है, हिगुरामा हिरोमी, यही है ना तुम्हारा नाम। ये कहने के बाद ही वो वहाँ पे अपना स्लैशेज का यूज़ करता है और उस बिल्डिंग को एक ही बार में तोड़ देता है। ये देख के वहाँ पे जो भी थे सभी बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। यूजी अभी भी सुकुना के पीछे है, वो आगे जाने की कोशिश करता है पर उस जगह की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है। हम वहीं पे सुकुना को देखते हैं, उसके सामने हिगुरामा है जो कि उसी टूटे हुए बिल्डिंग के मलबे के ऊपर से दौड़ते हुए सुकुना को मारने के लिए आगे आ रहा था। यूजी भी तब तक आ जाता है और तभी देखते हैं सुकुना यूजी को पकड़ लेता है, उसके छाती के नीचे पेट के ऊपर अपने खतरनाक स्लैशेस का यूज़ करता है, जिससे देखते हैं उसकी बॉडी के वो हिस्सा पूरी तरह से डैमेज हो जाता है, वहाँ से खून निकलने लगता है। और तभी सुकुना उसे देखते हुए कहता है, ए ब्रैट, सुनो, तुम बहुत ज़्यादा डल हो, दोबारा मेरे सामने मत आना, मुझे तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है। और कुछ ही देर बाद देखते हैं उस बिल्डिंग की हालत पूरी तरह से अब ख़राब हो चुका है। दूसरी तरफ हिगुरामा अभी भी सुकुना के पीछे है, वो उसके पास जाके उस पर अटैक करता है और तभी देखते हैं सुकुना उसे बहुत खतरनाक एक पंच मारता है। पर फिर भी हिगुरामा नहीं रुकता, वो अपने तलवार से उसे मारने जाता है। पर तभी देखते हैं सुकुना उससे दूर जाते हुए अपने ड्रैगन स्केल रिपल्शन ट्विन मीटियोर का यूज करता है, जिससे उस जगह की हालत फिर से खराब हो जाता है। वो जगह पूरी तरह से अब तबाह हो चुका है। वो नीचे देखने लगता है उसकी ये अटैक इतना ज्यादा खतरनाक था कि हम देखते हैं हिगुरामा का हाथ कट चुका है। वो उसे देखते हुए कहता है, जल्दी से हील करो अपने आप को, दिखाओ दिखाओ मुझे कि तुम हील कर सकते हो। हिगुरामा की हालत बहुत ज्यादा खराब है। वो सुकुना की बात सुन रहा था और धीरे धीरे हंसते हुए सोचने लगता है, ये कितना ज्यादा अजीब है ना। चाहे मैं कितना ही ज्यादा डेडिकेटेड हो जाऊँ, कितना ही कोशिश कर लूँ और नो मैटर कितना ज्यादा रेडी हो जाऊँ, जिससे दर्द होता है वो दर्द करता ही है। वो धीरे धीरे उठने की कोशिश करता है पर तभी देखते हैं सुकुना फिर से डिसमेंटल का यूज़ करता है, जिससे उसका दूसरा हाथ जिसमें तलवार था वो भी कट जाता है, उसकी पैरों में स्लैशेस लगता है। सुकुना आगे आते हुए कहता है, इसके बाद मैं तुम्हारा सर कटूंगा, अभी भी समय है, रिवर्स कर्स टेक्निक का यूज़ कर लो, मुझे दिखाओ कि तुम बेस्ट कर सकते हो, नहीं तो तुम मरने वाले हो। हिगुरामा अब सोचने लगता है, मुझे लग रहा है मैं यहीं पे मरने वाला हूँ, यही मेरा रोल कंप्लीट होगा। वो ये सब सोच रहा था तभी देखते हैं सुकुना के ऊपर कोई ब्लड मैनिपुलेशन अटैक करता है। वो उस तरफ देखता है और सोचने लगता है, क्या डेथ पेंटिंग, जितना मैंने सोचा था ये उससे ज्यादा ताकतवर निकला। वो दूसरी तरफ देख रहा था पर तभी देखते हैं हिगुरामा उसके पास आता है और अब वो अपना हाथ को ठीक कर रहा था। मतलब इसी मोमेंट में ये बंदा रिवर्स कस्ट टेक्निक यूज करना सीख गया। वो आके तलवार से इंस्टेंटली सुकुना पर हमला करता है, जो कि हम देखते हैं सुकुना के हाथ पर लगता है। उसकी तलवार सुकुना के हाथ पे लगता है, उससे पहले ही हम देखते हैं सुकुना ने अपने हाथ को ही काट लिया है और कहता है, बुरा नहीं है। हिगुरामा बहुत ज़्यादा चौंक जाता है, उसे अपने पास्ट का सीन याद आता है। अब वो समझ गया था कि उसके साथ क्या होने वाला है। तभी देखते हैं वो अपने हथियार यानी अपने एग्जीक्यूशनर स्वॉर्ड को गायब करने लगता है। और दूसरी तरफ हम तभी देखते हैं सुकुना के पीछे यूजी। सुकुना ने अब हिगुरामा को लगभग मार ही दिया है, इतना ज़्यादा इंजर्ड कर दिया है। हिगुरामा के बॉडी से अब बहुत ज़्यादा खून निकल रहे हैं। ये देख के यूजी बहुत ज़्यादा चौंक चुका है पर हिगुरामा थोड़ा सा स्माइल करता है और कहता है, मैं ये तुम पर छोड़ता हूँ, तुम पर। और तभी देखते हैं यूजी के हाथ में अब उसका तलवार आ चुका है। इसके बाद देखते हैं यूजी ने उसे हिट कर दिया है पर वो हिट मिस हो गया था। सुकुना पीछे देखता है उसकी तरफ और देखते ही उसको बहुत ज़्यादा पंचेस मारता है, जिससे यूजी बहुत दूर जाके गिरता है। सिर्फ इतना ही नहीं, जब वो उठने की कोशिश करता है तभी देखते हैं वो फिर से उसके ऊपर अपने स्लैशेस का यूज़ करता है, जिससे यूजी को बहुत खतरनाक चोट आता है, वो बहुत दूर जाके गिरता है। सुकुना सोचता है, अरे वो बंदा मर गया है और जाते जाते मेरे कामुतो को उसको भी ले गया है, पर मेरे सामने है ये बंदा जिसकी पेट को मैंने कुछ देर पहले चीर दिया था, क्या इसने खुद को हील कर रहा है। तभी पीछे देखता है, पीछे हम उयुई और कायरा को देखते हैं, वो दोनों हिगुरामा को ले जा रहे थे। उन्हें सामने देख के वो सोचता है, ओह शायद अब मैंने फिगर आउट कर लिया है।
सतोरु गोजो को मारने के बाद उसकी डेड बॉडी मुझे कहीं क्यों नहीं दिख रहा है। शायद ये जो बच्चा है इसके पास इंस्टेंट टेलीपोर्टेशन टेक्निक है। आई एम श्योर कि सतोरु गोजो को उसी लड़की के पास ले जाया गया है। पर क्या रिवर्स कर्स टेक्निक दूसरों पर भी उतना ही इफेक्टिव होता है जितना कि खुद पर होता है? क्योंकि खुद पर अगर 100% होता है दूसरों पर उसका 50% भी नहीं होता। और हाँ, उस लड़की का रिवर्स कर्स टेक्निक मेरे और गोजो से थोड़ा अलग काम करता है। वो दूसरों को भी हील कर सकती है। पर वो छोड़ो, मेरे सामने अभी ये बंदा है, इसने रिवर्स कर्स टेक्निक करना सीख लिया है। यूजी को हम देखते हैं, वो खुद को हील कर रहा था। सुकुना थोड़ा सा सोचने लगता है कि अब शायद यूजी के साथ वो थोड़ा सा मजा कर पाएगा। पर ये उसके मन में ये इरिटेटिंग फीलिंग क्या आ रहा है। यूजी सुकुना के साथ फाइट करने के लिए तैयार होता है, पर अपने सामने जब वो उसे देखता है, वो देखता है कि सुकुना ऑलरेडी स्पेस्ड आउट हो चुका है। मतलब वो ख्यालों में खोया हुआ है। क्या हो रहा है मेरे साथ? क्या उस बंदे की डेथ, उसके वजह से मुझे ऐसा फील हो रहा है? पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ मेरे साथ। और ऐसा क्यों? जब मुझे भूख लगता है मैं खाता हूँ, जब मुझे कुछ अजीब लगता है, किसी को मारने का मन करता है, मैं मार देता हूँ। मैं बिल्कुल ऐसा ही हूँ। मेरे लिए तो टाइम पास करने का यही तरीका है, पर उनके लिए मैंने कभी इस बारे में सोचा नहीं है। आइडियल्स, डिज़ायर्स, ये सब क्या होते हैं? पर शायद दूसरों का करंट आइडियल मैं हूँ। मतलब मुझे मारना है। उनके पास एक गोल है जो कि अभी मेरे सामने खड़े हुए हैं। उनके मन का सिर्फ एक ही इच्छा है कि मैं मर जाऊं। पर मुझे ऐसा इरिटेटिंग फील क्यों हो रहा है? हजारों साल पहले जो लोग मुझसे लड़ते थे उनको भी बहुत आसानी से मार देता था बिना कोई मर्सी के। मैं वैसा ही था। क्या इसका मतलब इन मिलेनियम में मैं चेंज हो चुका हूँ? क्या इसका कारण तुम हो? हजारों साल पहले मेरे ओपोनेंट्स अलग थे। वो अपने सामने यूजी को ऐसे देख रहा था और यूजी के बारे में ही सोचे जा रहा था कि वो उसे मारना चाहता है, पर यूजी उससे बहुत बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। फिर भी वो हार नहीं मान रहा है। वो उसे मारने के लिए तैयार है और उसके लिए वो खुद मरने के लिए भी तैयार है। पर ऐसा क्यों? क्योंकि वो मुझसे बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, इतना कि मैं चाहूँ तो उसे इंस्टेंटली मार सकता हूँ। और यही है जो कि सोचते हुए मुझे बहुत ज़्यादा अनप्लेजेंट फील हो रहा है। ओके, मेरे कैपेबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा ग्रेट है। मैं इन सारे अजीब अजीब आइडियल से बाउंड नहीं हूँ। तभी हंसते हुए सोचने लगता है, ओके, प्लान में कोई चेंजेस नहीं, मैं पहले भी इनको ख़त्म करूँगा और बाद में भी सब कुछ ख़त्म कर दूँगा। तभी ऊपर से कुछ आने लगता है और तभी देखते हैं वहाँ पे कुछ आता है, जो देख के कुसाकाबे के साथ साथ सभी बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं और सोचने लगते हैं, ये क्या है? कोगा ने अपीयर होता है और कहता है, एक प्लेयर ने एक नया रूल ऐड किया है। मार्जर का ऑथोरिटी जो है मेगुमी फुशिगुरो यानी सुकुना को मिलता है। सुकुना अब जब चाहे तब ह्यूमैनिटी के साथ तेंगेन को मर्ज कर सकता है। हम तेंगेन के छोटे से वूम को देखते हैं जो कि सुकुना तभी अपने हाथ में लेता है और कहता है, तो केंजाकु का इंश्योरेंस, इसका मतलब ओकोत्सु ने उसे मार दिया है। और तभी देखते हैं वो उसे खा लेता है। कुसाकाबे बहुत ज़्यादा डर चुका है और सोचने लगता है, अब सब कुछ ख़त्म, शायद हमें ये देश छोड़ना पड़े। और तभी देखते हैं सुकुना कहता है, मैं तुम्हें मारने से शुरू करूँगा और उसके बाद जो भी बचे हुए प्लेयर्स होंगे उनको, और उसके बाद मैं ह्यूमैनिटी को मार्च कर दूंगा और नए तेंगेन के साथ थोड़ा सा खेलूंगा। और तभी देखते हैं वो वहाँ पे उस जगह को तबाह करने लगता है। पर तभी वहाँ पे एंट्री होता है युता ओकोत्सु का। युता आते ही कहता है, सॉरी मुझे आने में थोड़ा सा देर हो गया। और आते ही वो सुकुना पर हमला करता है। सुकुना उसे देखते हुए कहता है, अच्छी तरह से लड़ना, अगर तुमने अच्छी तरह से नहीं लड़ा और मुझे मार नहीं पाए तो सब कोई जिन्हें तुम जानते हो, बचाना चाहते हो, मर जाएगा। तभी यहाँ पे एंट्री होता है रीका का, जो कि अपने हाथों से सुकुना को पकड़ती है और उस बिल्डिंग में दे मारती है और कहती है, क्या लगता है तुम्हें तुम किसके साथ बात कर रहे हो? सुकुना कहता है, वेल हेलो क्वीन। ऑथर्स कमेंट में बताया जाता है, द क्वीन ऑफ कर्सेस वर्सेस द किंग ऑफ कर्सेस, कौन बैठेगा अब थ्रोन में। सो इसी के साथ ये एपिसोड खत्म करते हैं। अगला एपिसोड जल्दी आएगा। देखने के लिए शुक्रिया। थैंक यू सो मच।